हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा हाउलो फैक्ट्री। इट्स समथिंग डिफरेंट। जिंदगी बेहतर है, लेकिन और बेहतर हो सकता है। क्या आप अपने मोबाइल से अच्छा फोटोग्राफी की एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके मोबाइल में अच्छा वाइड एंगल और अच्छा मैक्रो फोटोग्राफी हो? तो क्या करेंगे आप? तो आपके लिए पेश है ए वाला चीज़, ठीक है, ए वाला प्रीमियम लेंस, ठीक है। इस लेंस की मदद से, ठीक है, ए वाला लेंस की मदद से आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो खींच सकते हैं। ये मेरा दावा नहीं है, ये ए वाली जो कंपनी है, मतलब ये लेंस बनाने वाला कंपनी का दावा है, ठीक है। तो इसी वीडियो में पूरे डिटेल्स जानकारी आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्या एक्चुअल में ये सही काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना, जैसे कि आपको ए वाले लेंस के बारे में पूरा डिटेल आइडिया आ जाए कि मार्केट में जितना भी इस तरीके का लेंस अवेलेबल है, क्या ए सच में काम करता है या कितना काम करता है। तो इससे क्या होगा, आपको आने वाले टाइम पर समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसा क्या होता है। तो फर्स्ट में आपको थोड़ा सा अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं, ठीक है, तो इसका थोड़ा अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं फर्स्ट में। चलो अनबॉक्सिंग के बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहे तो बेल बटन को हिट कर देना, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जैसे कि उनको भी पता चल जाए भाई ए वाला लेंस किट जो है ये एक्चुअल में काम में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो चलो अभी आप देख सकते हैं कि अमेजोन से पैकेज आ चुका है, तो बाहर से पैकेट पूरा ठीक ठाक है, उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। जैसे कि इसको पेन नाइफ से मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखते हैं कि एक्चुअली अंदर का जो पैकेजिंग का जो हालत वो कैसा है। तो खोल लिया मैंने, खोलने के बाद हाँ ठीक ठाक मुझे लग रहा है, बाहर से कोई भी डैमेज नहीं है। अभी खोलने के बाद पता चलेगा। ये रहा बिल, तो बिल को साइड में रखते हुए पैकेट में देखिए और कुछ नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स ही है। तो बॉक्स में लिखा हुआ है स्काईविक सिग्नी, ठीक है, स्काईविक टेक्नोलॉजीज। तो इस तरीके से पीछे का जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ पीछे दिया हुआ है पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके साथ साथ प्राइस देखिए, 2999 यहाँ पे बोला गया है MRP, लेकिन लगभग आपको 2200 रुपये के आसपास मिल जाता है ऑनलाइन से। तो बात ऐसा ही है। तो जैसे कि मैंने इसको ओपन करने के लिए जब बॉक्स को निकाला तो मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा है मुझे, मतलब ये पूरा पैक्ड है, ठीक है, और बाहर से पकड़ते हुए जो बॉक्स का क्वालिटी भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही हार्ड हो, ठीक है, ये जो बॉक्स है। तो जैसे कि मैंने खोल लिया, खोलने के बाद मुझे इस तरीके से दिखाई देता है, देखिए। तो हाँ, एक प्रीमियम लुकिंग यहाँ पे दे रहा है। तो अंदर देखिए कुछ इस तरीके से कुछ लीफलेट वगैरह मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है, और क्या क्या प्रोडक्ट इसका मिलता है उसका कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह भी यहाँ पे है। तो इसको साइड में रखते हुए, तो ये देखिए एक वाइड एंगल भी है, तो इस तरीके से कुछ मिलता है। अभी इसको अगर हम साइड में रख देते हैं तो इसके बाद देखिए मैं ओरिजिनल बॉक्स को ओपन करता हूँ। अभी देखिए बॉक्स में इस तरीके से मिलता है, एक हुक मिलता है जो कि आप किसी भी चीज़ के साथ टांग सकते हैं, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है लेंस क्लीन करने के लिए, एक और क्लिप, ठीक है, इस तरीके का क्लिप जो कि आपके स्मार्टफोन में लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि ये रहा हमारा मेन लेंस। तो इस तरीके से लेंस हमें मिलता है दो प्रोटेक्टर के साथ, तो ऐसा ही है। तो देखिए इस तरीके से हमें लेंस देखने को मिलता है। तो लेंस हम खोल लेंगे, दोनों एक साथ है, तो दोनों पार्ट, एक मैक्रो है और एक वाइड है। मेरे ख्याल से अभी मेरे हाथों में जो है यही मैक्रो है, ठीक है, और ये जो मैक्रो किस तरीके से काम करता है वो आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस तरीके से मैक्रो काम करता है, ठीक है ना। और अभी इसको प्रोटेक्टर अगर हटाया तो देखिए वाइड एंगल लिखा हुआ है, 0.45x वाइड एंगल लेंस विथ 15x मैक्रो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लेंस के पीछे मेरा हाथ रखता हो तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो आपको जो अंदाज़ा लग गया होगा किस तरीके से इसको वाइड एंगल किया जाता है, ठीक है, मतलब वो बाइनोकुलर जैसा जो लेंस है उस तरीके से कुछ काम करता है, बाइनोकुलर जैसा, तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी देखिए इस तरीके से लेंस बहुत ही क्लियर मुझे लग रहा है, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। पूरा एल्युमिनियम बॉडी दिया गया है यहाँ पे, और ब्लैक कोटिंग के साथ, जैसे कि कोई भी रिफ्लेक्शन ना आए और फोटो खींचने वक्त पूरा मतलब क्वालिटी मेंटेन रहे, इस तरीके से दिया गया है। तो
ये जो है ये हाथों में पकड़ते हुए बहुत ही प्रीमियम फील हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा सा महंगा है, और इस तरीके से मैक्रो और वाइड एंगल का जो कॉम्बो लेंस तो आपको 150-200 रुपये में लोकल वाला मिलता है, वो चाइनीज़ वाला चीज़ है, मतलब वो प्लास्टिक बिल्ड है, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है वो। लेकिन ये वाला पूरा मेटल बिल्ड है, एलॉय है, मतलब ये अगर आप ख़रीद लोगे तो बहुत ही दिन तक चलेगा, मतलब ये ख़राब नहीं होने वाला चीज़ अगर आप इसको डैमेज नहीं करते हो तो। ठीक है, तो सब कुछ क्वालिटी से मुझे अच्छा ही लगा, तो मेरे ख्याल से इसको लगाते हुए देखिए कि किस तरीके से एंगल को चेंज करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ चेंज हो जाता है, अभी उसको हटाने के बाद इस तरीके से हो जाता है, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने देखा कि वाइड एंगल को क्लिप के साथ आप डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपको पहले मैक्रो जो है इसको क्लिप के साथ अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद उसके साथ जो वाइड एंगल लेंस है उसे अटैच करना पड़ेगा, मतलब दोनों बार अटैच करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी एक सिंगली अटैच नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैक्रो दिखाई देता है, देखिए किस तरीके से मेरे उंगली को फोकस कर रहा है मैक्रो में, और अगर मैं इसको दूर ले जाता हूँ तो देखिए इस तरीके से डिफोकस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लर होता है। तो इस तरीके से एक डेमो आपको दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से काम करता है फ्लैशलाइट के साथ। तो ये वाला जो मोबाइल है, देखिए मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने के बाद इस तरीके से कुछ दिखाई देता है अगर हम लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको खोलते हैं, ऊपर वाला जो वाइड एंगल को खोलते हैं, खोलने के वक्त देखिए कि खोलने के बाद इस तरीके से दिखाई देता है। तो अभी देखिए इस मोबाइल की जो मैक्रो है, मैक्रो सीन में किस तरीके से दिखाई देता है। तो लेंस लगाने के बाद इस तरीके से, और लेंस अगर मैं साइड कर देता हूँ तो किस तरीके से दिखाई देगा वो भी आप गौर कीजिएगा। देखिए दोनों में ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए मेरे ख्याल में, मतलब मेरे दिल में एक सवाल है कि पहले तो एक ही लेंस आता था एमआई की तरफ से, तो वो एक ही लेंस सभी काम कर देता था, लेकिन अभी के टाइम पे ना इतना सारा लेंस देने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं था, एक ही लेंस में सब कुछ काम हो सकता था। लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे एक मार्केटिंग हाइप हो चुका है, तो क्या करें इसके साथ, मतलब सभी कंपनी ऐसा ही कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा लेंस देखे, तो अभी के टाइम पे एज वाला मैक्रो शॉट आप देख लीजिए, ये मैंने लेंस के साथ लिया हुआ है। ठीक है, मैक्रो शॉट, तो इस तरीके से मैक्रो शॉट आता है, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, लेंस के साथ, नहीं तो ये ब्लर होने लगता है। आने वाला टाइम पे आपको और भी क्लियर होगा इसके बारे में, तो वीडियो को देखते रहिए। और ये जो 200 रुपीज़ मैंने क्लोजली दिखाने की कोशिश किया है वो भी देखिए, और ये रहा जो कि अभी मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये दरअसल लेंस का है। ठीक है, और जो राइट साइड का है ये नॉर्मल जो मोबाइल की जो मैक्रो सेंसर होता है उसकी है। तो मेरे उंगली आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे डिस्टेंस को बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ब्लर हो जाता है। लेकिन हाँ, क्वालिटी यहाँ पे अच्छा देखने को मुझे मिलता है। ठीक है, मतलब एक ब्लर वाला अच्छा मैक्रो शॉट क्वालिटी मुझे मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइमरी लेंस से ही शूट कर सकता हूँ मैक्रो शॉट को इस लेंस की मदद से। लेकिन नॉर्मल मोबाइल में हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है, नॉर्मल मोबाइल में हमें मैक्रो सेंसर में शिफ्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही लो सेंसर होता है, एवरेज आपको 2 मेगापिक्सल के आसपास आपको देखने को मिलता है, तो उससे उतना अच्छा फोटो क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप प्राइमरी सेंसर से कर सकते हो, तो इसीलिए एक बहुत ही अच्छा बोके इफेक्ट आपको देखने को मिलता है मैक्रो में। ठीक है, तो इस तरीके से मिलता है क्वालिटी, तो इसका आप फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फोटो अगर आमने सामने आप देखोगे दोनों में, तो लेफ्ट साइड का है लेंस का और राइट साइड का है मैक्रो सेंसर का मोबाइल की। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो देख सकते हो कि लेंस की मैंने फिर से एक शॉट लिया लेंस लगाते हुए, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि किस तरीके से ब्लर हो रहा है अगर मैंने डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा हो तो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करता हो वहाँ पे बहुत ही अच्छा आउटपुट निकल के आता है। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये बाहर से अटैच हुआ है, मोबाइल के अंदर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम दिखाई देता है। ठीक है, तो एक्चुअल बात यही है। उसके बाद जो वीडियो हम करेंगे, वीडियो देखिए बैक कैमरा से, जो वीडियो है बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी डायरेक्ट मोबाइल से इस तरीके से आता है, अगर मैं लेंस लगाता हूँ तो इस तरीके से आता है। तो लेंस लगाते हुए नॉर्मल प्राइमरी सेंसर की वीडियो में थोड़ा सा वाइड एंगल मुझे देखने को मिलता है, अगर फ़ोटो देखेंगे तो और भी क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से फ़ोटो में डिफरेंस आता है, एक आता है नॉर्मल जो लेफ्ट साइड में, और एक है राइट साइड में, जो कि लेंस से लिया हुआ है वाइड एंगल लेंस से। ठीक है, तो एंगल कितना ले रहा है, कितना कैप्चर कर रहा है, वो आप पूरा डिटेल देख सकते हैं।
लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इमेज थोड़ा सा ब्लर होता है वाइड एंगल करने में, ठीक है। जितना शार्प नॉर्मल सा दिखाई देने को लगता है, लेकिन वाइड होने के बाद थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बोला। और ये देखिए, मैंने सोचा कि ना मोबाइल की जो वाइड एंगल लेंस होता है, उसी वाइड एंगल लेंस में फ़ोटो और वीडियो करने के वक्त अगर मैं ये लेंस को लगाता हूँ, क्या ये दुगना वाइड एंगल मुझे देगा? लेकिन नहीं, वो नहीं देता है। तो इस तरीके से कुछ सीन हो जाता है, ठीक है। ये मैंने मोबाइल की वाइड एंगल सेंसर को एक्टिव करके उसके बाद तो वाइड एंगल जो लेंस है उसके ऊपर ये वाइड एंगल वाला लेंस लगाया था, तो उस टाइम पे इस तरीके से व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग सेम डिस्टेंस ही, मतलब सेम जो व्यू है वही कैप्चर करता है, लेकिन इस तरीके से सर्कल पॉइंट में आपको दिखाई देगा, जस्ट लाइक फिश आई टाइप, फिश आई लेंस की जो खासियत है उस टाइप का दिखाई देता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा आप देख लीजिए कि फ्रंट कैमरा से वीडियो इस तरीके से दिखाई देता है, अगर लेंस के बिना, तो लेंस लगाते हुए इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि किस तरीके से डिफरेंस मिलता है लेंस और लेंस के बिना। तो लेंस लगाते हुए थोड़ा सा ब्लर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, तो लेंस हटा दिया, उसके बाद देखिए एंगल और लेंस लगाते हुए एंगल, मतलब इस तरह दोनों में डिफरेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों की डिफरेंट कितना ज़्यादा एंगल का डिफरेंट हो जाता है। तो ये मतलब मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग वगैरह अगर आप करते हो तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट ये चीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सेल्फी कैमरा उतना ज़्यादा एंगल कवर नहीं कर पाता है, उस टाइम पे अगर ए वाला लेंस अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। तो ए वाला एक पुराना घर हमारे यहाँ पे था, ये पुराना घर को आप देखिए कि किस तरीके से लेंस लगाते हुए इस तरीके से शॉट लेता है। अगर मैं लेंस को हटा देता हूँ तो देखिए एक घर का लेफ्ट साइड का हिस्सा पूरा कट हो गया। तो अभी देखिए फिर से, ये देखिए फिर से दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से वाइड एंगल करता है। मैंने आपको एक सब्जेक्ट के साथ दिखाने की कोशिश किया है जैसे कि आपको अंदाज़ा आ जाए। तो ये वाला फ़ोटो भी आप देख सकते हैं मेरे सेल्फी का, तो किस तरीके से लेफ्ट वाला है नॉर्मल कैमरा का और राइट वाला है लेंस लगाते हुए जो शॉट। तो दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं कि किस तरीके से ये वाइड एंगल को लेता है और नहीं लेता है, ठीक है। तो इससे बाद देखिए, इसके बाद ए वाला जो वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंट होता है, ये लेफ्ट वाला नॉर्मल मोबाइल का है, राइट वाला लेंस लगाते हुए है, तो किस तरीके से एंगल को डिफरेंट होता है, तो आप देख सकते हैं एंगल इस तरीके से डिफरेंट है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, आप अगर चाहते हो वाइड एंगल वीडियो करना तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ जाता है कि थोड़ा सा ब्लर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब फ़ोटो खींचते वक्त उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, लगभग अच्छा ही फ़ोटो आपको दिखाई देने को लगता है अगर जूम ना करो तो, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ा सा ब्लर आ जाता है। अब साइड में देखिए, साइड जो कॉर्नर है, कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिक्कत का सामना करना हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का जितना भी लेंस मार्केट में अवेलेबल है, सभी में यही दिक्कत है कि ये डायरेक्टली आपके मोबाइल की सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड नहीं है, बाहर से एडिशनल है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है फोकस को मेंटेन करते हुए, मतलब मेंटेन नहीं कर पाता है ठीक से। तो ये वाला जो चीज़ आप देखिए कि मैक्रो में भी आपको इस तरीके से, मतलब जो मैंने बताया कि डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ता है, ठीक है, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना पड़ता है, आगे पीछे अगर जाओगे तो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर पोर्ट्रेट में देखना चाहते हो तो पोर्ट्रेट में इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। पोर्ट्रेट में तो आप देख लीजिए इस तरीके से पोर्ट्रेट में डिफरेंस आता है सेल्फी कैमरा में एंगल को लेकर, ठीक है, लेंस लगाते हुए और लेंस को बिना। तो बात ऐसा ही है। और इसको लेकर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अब नीचे, और इसके बारे में जो भी जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से ही है ए वाला लेंस। तो मेरे ख्याल से अगर फाइनल कंक्लूशन की बात करें कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, अगर नॉर्मली आप फ़ोटो वगैरह खींचते हैं तो आपको ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा पैशन है थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी का, तो इसलिए आपको लेना चाहिए। एक्चुअली मैक्रो जो है, मैक्रो में बहुत ही अच्छा, मतलब ये आपको एक फ्रीडम देता है कि आपकी प्राइमरी सेंसर को इस्तेमाल करते हुए आप अच्छा फोटोग्राफी ले सकते हो, वो हो चाहे मैक्रो और चाहे हो वाइड एंगल, ठीक है।
क्योंकि नॉर्मल स्मार्टफोन में आपको वो फ्रीडम नहीं मिलता है, आपके प्राइमरी सेंसर सब में सपोर्ट नहीं करता है। मतलब ठीक है, मतलब अभी जो स्मार्टफोन है आप चाहे तो 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल में भी मैक्रो शॉट या वाइड एंगल शॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसी एक बेनिफिट यहाँ पे है। तो बात ऐसा ही, हमारे ख्याल से आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है। सब्सक्राइब करके पास रहे तो वह बेल बटन को हिट कर देना, जैसे कि आपको हमारे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ, बने रहना बाबा हवलप फैक्ट्री के साथ।